हेलो हेलो, एक बार फिर मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल में। और आज हम ग्रेविटेशन को फाइनली एक अलविदा देने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत दिनों से ये चैप्टर चल रहा था और आज मैं कुछ एक आध दो टॉपिक रह गए हैं जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रेशर इन फ्लूइड्स के बारे में, बॉयंट फोर्स के बारे में जिसपे, और उसका जो फ्लोटिंग प्रिंसिपल होता है जो आपने सुना है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये दो तीन बातें बता करके आज इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे, ठीक है। सो काफी लंबा समय हमारा आपका इस चैप्टर के साथ रहा और उम्मीद करता हूं कि आगे भी ऐसा ही बना रहे। और आपका सपोर्ट बच्चों बहुत जरूरी है मेरे लिए, ठीक है। खैर, हम शुरू करते हैं और आज का पहला टॉपिक है हमारा प्रेशर इन फ्लूइड्स के बारे में। ठीक, क्या होता है? सबसे पहले फ्लूइड, देखिए फ्लूइड का मतलब क्या है हमने जाना था। फ्लूइड के पास एक टेंडेंसी होती है कि वो बहता रहता है, ठीक। तो बहने की क्यों बहेगा? हमने पढ़ा कि हमारे जो मैटर है उसके तीन स्टेजेस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो लिक्विड क्या है? लिक्विड में अगर आप देखोगे ध्यान से तो उसके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है बहुत कम होता है, उसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर रहते हैं, ठीक है, बहुत दूर दूर रहते हैं, ठीक, जिसकी वजह से वो फ्लो करता है, फ्लो करेगा, ठीक। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो, जिसके पास काबिलियत क्या करने, फ्लो कर, ड्यू टू इट्स इंटरनल, अभी मैंने बताया था आपको यहां पर इंटरनल फोर्स, ठीक है, इस कॉल्ड फ्लूइड, इसी को हम कहते हैं क्या, फ्लूइड। फ्लूइड का काम फ्लो होना। बात समझ में आ रही है बच्चों? आगे देखें, गैसेस एंड लिक्विड्स आर कंसिडर्ड एज फ्लूइड। अच्छा, ये बड़ी बात है, बढ़िया बात है, क्योंकि गैसेस भी क्या है, गैसेस एक टाइप का वेपर्स है, ठीक है। और उसमें वेपर कैसे बनता है भाई? फ्लूइड ही है जिसको हीट होगा और वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो भाई ऐसे भी होता है, और साथ ही साथ हमारे एयर में भी फ्लूइड का होना भाई है ही, अनिवार्य है। तो फ्लूइड उसमें प्रेजेंट रहता है, तो गैसेस एंड लिक्विड्स चाहे जो भी लिक्विड हो आर कंसिडर्ड एज फ्लूइड। भाई आज के समय में तो लोग गैस वाला परफ्यूम नहीं, लिक्विड वाला परफ्यूम भी यूज कर रहे हैं, लेकिन आप जब उसको भी करोगे तो उसमें भी लिक्विड प्रेजेंट है और गैस भी कंप्रेस्ड है उसके अंदर। तो क्या है, जैसे ही आप उसको एक कोने में स्प्रे करते हो तो पूरे रूम में उसकी स्मेल फैलती है कि नहीं फैलती है? फैलती है भाई, फैलती है। आर कंसिडर्ड एज फ्लूइड वेयर एज सॉलिड की अगर हम बात करें, सॉलिड आर रिजिड। बात समझ में? सॉलिड कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं, ठीक। मान लीजिए कि भाई फ्लूइड, सॉरी हवा ना मरे, नहीं हवा नहीं, आइए देखें फ्लूइड देखते हैं, ठीक है। का है सब्जी, कंटेनर वहां है हमारा। अब मान लेते हैं इसमें हमने
वाटर था दिया, वाटर 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 और पानी, सर एक ही बात कर, हम बात तो एक ही है भाई, लेकिन हमने इसमें क्या भर दिया, वाटर भर दिया। अब इसकी टेंडेंसी होती है फ्लो होने की, ठीक है, तो जब अगर इसकी टेंडेंसी है मेरे बच्चों फ्लो होने की, तो आप मुझे बताओ क्या ये इसमें एक दायरे में बंद करके रहना चाहेगा, बताइए, नहीं ना। तो ये क्या करता है, ये इसके वॉल्स पे प्रेशर लगाता है इस डायरेक्शन में, हाँ इस डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में फ्लूइड जो है एक प्रेशर लगा रहा होगा, ठीक है, साथ ही साथ क्या ऊपर वाले डायरेक्शन में भी लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा भैया, बिल्कुल लगाएगा, ठीक है, जब ये ऊपर वाले डायरेक्शन में लगाएगा ताकि ये निकल करके बाहर भाग जाए, ठीक, तो इसको अंदर दबा करके अंदर रखने का काम, दबा करके एकदम कॉम्पैक्ट जगह में रखने का काम कौन करता है भैया, एयर, और ये क्या करता है, ये फ्लूइड अपने अंदर एयर को घुसने नहीं देता, ठीक है, एयर इसे अपने में जान बाहर नहीं जाने देती, ठीक है, अपने में मिक्स नहीं होने देती, तो इन दोनों के बीच में भैया क्या बन जाता है, एक संधि बन जाती है, एक समझौता, एक फ्रेंडशिप हो जाती है, कहता है ठीक है भैया तुम अपने दायरे में रहो हम अपने दायरे में रहते हैं। यही कारण है कि फ्लूइड जो है वो अंदर बना रहता है, ठीक है, नहीं तो, और प्लस इसका भी काम है, ये भी इसे रोके हुआ है, कंटेनर भी रोके है, और ऊपर क्यों नहीं निकल रहा, कारण एयर भी रोके, ठीक है, अगर मान लीजिए आप स्पेस में चले जाओ जहां पर आपको एयर जैसी वहां पर कोई चीज ही नहीं मिलेगी, तो वहां आपने देखा होगा जनरली स्पेस वगैरह में कि लोग एयर टाइट एक कोई कंटेनर है उसमें वो फ्लूइड लेके जाते हैं, एयर टाइट क्यों, क्योंकि अगर उन्होंने खोल दिया ना तो फ्लूइड ऐसे ऐसे करके बाहर निकलने लग जाएगा, आप देख सकते हैं बहुत सी वीडियोस आपको अवेलेबल मिल जाती है, ठीक है, सो और सबसे बढ़िया बात कि एयर जो है वो कितना प्रेशर लगाता है भैया, ये लगाता है 10^5 पास्कल, क्या मतलब, एयर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10^5 पास्कल लगाता है, हाँ, क्या मुझ पर भी लगाएगा, हाँ, क्या आप पर भी लगाता है, हाँ, हम सब पर 1,00,000 पास्कल का जो फोर्स होता है मेरे बच्चों, वो हमेशा 1,00,000 पास्कल का फोर्स, बाप रे बाप, जिंदगी में ऐसे ही इतना दबाव है, और एयर पर और दबाव डाल ली है, लेकिन क्या करें, बिना दबाव के तो कुछ नहीं हो सकता, बात समझ में आई, चलिए इतना आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लें, हाँ जी, चलिए तो आपने इतना किया, अब मैं बात करूंगा हमारे पॉइंट फोर्स के बारे में, आइए देखते हैं पॉइंट फोर्स क्या होती है, पॉइंट फोर्स क्या है भाई, पॉइंट फोर्स, पॉइंट फोर्स और इसका फ्लोटिंग प्रिंसिपल, PAL लिख देना, बहुत मार खाओगे, अरे नहीं भैया आप उससे बड़े अच्छे लोग हो, आइए देखते हैं बॉयंसी क्या चीज होती है, बचपन में करी थी सर, बचपन में सब एक्सपेरिमेंट करते हैं लेकिन उसे बड़े होकर के पढ़ते हैं, बचपन में सब एक्सपेरिमेंट करते हैं लेकिन उसे बड़े होकर पढ़ते हैं, ठीक है, कारण कुत्ता दिमाग तो था ही नहीं सर जी, कि हम फिजिक्स को अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसे ही फॉलो करते हैं, अरे वाह अरे वाह अरे वाह, चलिए आइए देखिए, चलिए देखिए बॉयंसी क्या चीज है,
बॉयंसी क्या होती है? इट इज द प्रिंसिपल, अभी मैं बताऊंगा जिस पे मैंने यूं ही एक राइमिंग बता दी है क्या चीज। इट इज द प्रिंसिपल बाय प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल प्रधानाचार्य नहीं है, सिद्धांत होता है प्रिंसिपल। इट इज द प्रिंसिपल बाय विच द फ्लुइडवा, अरे फ्लुइड फ्लुइड एक्सर्ट अ फोर्स, एक्सर्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स, ठीक है, एक्सर्ट्स अ फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। अभी हमने क्या देखा, एयरवा पे हमारे हवा पे एक अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स लग रहा था, ठीक है, वैसे एयर भी उसे दबाने की कोशिश कर रही थी, ऐसे 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 चल रहा था, ये ऊपर से दबाए ये नीचे से दबाए और दोनों मिलकर के कहे भैया आप रहने दो उतना ना दबो। एक्सर्ट्स अ फोर्स इन एक्सर्ट्स अ फोर्स इन कौन से डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, ये बात फ्लोट करता है ना भैया, इन अपर डायरेक्शन ऑन किस पे, मान लेते हैं कोई सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड ऑब्जेक्ट, अभी बताएंगे मेरे आगे जी, ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इमर्स्ड इनटू द फ्लूइड, Into the fluid, the upward, देखो भाई आप सबने काम ये किया है, ठीक है, और डेली करते होगे, कई कई लोग बहुत सारे खेल खेलते हैं, क्या मग्गा लो और मग्गे को लेकर के उल्टा और पनिया में डुबाई दो, ठीक, क्या लो मग्गा लिया, लोटा लिया, मग्गा लिया, जौ ले लो भैया, लियो और उसको लेकर के डुबा दो। तो भैया जब हमारा जो फ्लूइड है वो एयर को तो अंदर जाने नहीं देता, एयर को अंदर तो जाने नहीं देता, क्या करता है ऊपर की ओर एक फोर्स आ रहा है। तो आपको क्या लगता है आपके ये जो मग्गा तुमने डुबाया इसमें सर मग्गा डुबाया थी तो मग्गे पे क्या ये उल्टा मग्गा देखे मगर देखो कोई हंसेगा नहीं, ठीक है, तो इस उल्टे मग्गे पे क्या ये फोर्स ऊपर नहीं लगा, तुम दबाओ वो तुमको दबाए ऊपर और थोड़ा देर के बाद छोड़ दो, देखो एकदम से सारा पानी चलक के बाहर आ जाता है, तब आपको पता चलता है कि आखिरकार फ्लूइड को अंदर रोकने का काम कौन कर रहा है, ठीक है। तो इनटू द फ्लूइड दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड, ये जो अपवर्ड वाला फोर्स लगता है ना दिस अपवर्ड फोर्स बल, ठीक है, भुजाओं की बल, अरे नहीं भैया इसकी तो भुजाएं अपवर्ड फोर्स इस कॉल्ड, क्या भाई इसकी भुजाए भुजाए नहीं लेकिन हाँ कहीं ना कहीं फोर्स तो लग रहा है ना, दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड कौन सा फोर्स, बियोइंट बॉइंट फोर्स, ठीक है, बॉइंट फोर्स विच इज ऑल्सो नोन एज, पढ़ाया था लास्ट क्लास में, विच इज Also known as क्या thrust बताया था, तो ये कौन सा thrust है, ऊपर वाला thrust, up thrust, thrust क्या होता है, a perpendicular force which is acting on the body, तो ये किस direction में act कर रहा है, perpendicularly act कर रहा है कि नहीं कर रहा है जी, देखिए भाई देखिए देखिए जल्दी देखिए जल्दी देखिए, चलिए ऐसे देख लीजिए, हाँ जी, तो
इसके लिए एक बात और है, कंडीशन है। मान लेते हैं अगर आपका बॉयंट फोर्स, ठीक है, बॉयंट फोर्स ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर हो गया, ठीक, बॉयंट फोर्स जो लग रहा है वो ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर हो गया, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मस्त तैर रहा होगा, ठीक है, एकदम मस्त तैरता रहेगा। जैसे आपने देखा होगा बॉल जो रबर की, हम लोग क्रिकेट बॉल खेलते हैं, आप उसको पानी में फेंक दो तो जनरली रबर वाली बॉल नहीं डूबती है, ठीक है, ठीक। आगे देखते हैं, अगर मान लेते हैं एफबी जो है वो बॉयंट फोर्स छोटा है, किससे, ऑब्जेक्ट के वेट से, यानी ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है, तो क्या होगा, सिंक हो जाएगा भैया, जाहिर सी बात है, इसमें कुछ बांध बांध दो, अंदर चिपका का दो, पत्ता रत्ता लाल दो भैया, ठीक है, पत्ता डालोगे तो यहाँ पे गिर ही जाएगा, वो वाला नहीं, भारी वाला लोहे वाला मत डाले, गिर जाओ अंदर डूब जाओ, ठीक है सर, भाषा को तो कैसे आप बोल, कोई नहीं, कभी कभी ठीक गया जाता। अगर मान लेते हैं पॉइंट फोर्स बड़ा हो गया उससे, तो क्या होगा, जैसे ही छोड़ते हो मग्गा वैसे ही तुरंत मग एकदम से जो लिक्विड होगा उसको एकदम से बाहर फेंकता है कि नहीं फेंकता है, तो क्या होता है, राइज होता है ना, नहीं होता, बताओ बताओ, होता है ना, चलो आगे देखिए, इतनी बात समझ में आई, नहीं आई तो बताओ, आ गई सर, चलिए आगे देखा जाए। अब हम लोग हमारे आखिरी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया टॉपिक, शानदार जबरदस्त जोरदार टॉपिक, इतनी बात समझ में आ गई सर, इतना बड़ा आपने लिख दिया, क्या है, इट इज द प्रिंसिपल बाय विच अ फ्लूइड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ सॉलिड विच इज इमर्स्ड इन द लिक्विड या फ्लूइड, द अपवर्ड फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द सॉलिड इज कॉल्ड एज बॉइंग फोर्स और अप थ्रस्ट, देखा याद हो गया, कितनी सिंपल सी बात है, आगे देखा जाए। भैया तुमको भी तुरंत याद करना है, ऐसे ही याद करना, तभी तो नंबर बढ़िया आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे आएंगे सर जी आएंगे। चलो ग्रेविटी तो हमने अब खत्म ही करने जा रहे, अलविदा ग्रेविटी जी, ग्रेविटी बहुत हो गया, थोड़ा सा आज हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत, कौन है ये आर्किमिडीज, कहां से है, माना जाता है आर्किमिडीज जो है वो ग्रीक समय में रहने वाले एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने उस समय ये सिद्धांत कहीं ना कहीं से पता लगाया, ठीक, कि कैसे हम बॉयंट फोर्स को क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, मेजर करेंगे भैया, मेजर करेंगे, ठीक है, चलिए आगे देखें। तो इनका स्टेटमेंट क्या था, इन्होंने स्टेटमेंट दिया, क्या दिया, आइए देखें स्टेटमेंट क्या दिया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या किया, स्टेट्स दैट स्टेट्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली और पार्शली, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली, होली का मतलब पूरी तरीके से, ठीक है, और पार्शली का मतलब आधा नीचे आधा ऊपर करके, या थोड़ा बहुत नीचे या थोड़ा बहुत ऊपर, कुछ भी ले लो, पार्शली का मतलब तो हो जाता है, पार्शली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड,
actually immersed in a fluid. ठीक है, आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, उसको आपने यूं करके पूरी तरीके से या पार्शली तरीके से उसको क्या किया, डुबाने की उसमें कोशिश करी, प्रयास किया, तो उसमें क्या लगा, एन अपवर्ड फोर्स. अभी हमने पढ़ा था एन अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बॉइल्ड फोर्स. बॉइल्ड फोर्स ठीक है, क्या करेगा, उसके ऊपर लगेगा एक्स ऑन इट. ठीक है भैया, मेरे भैया पर समझ में आया, जो कि क्या होगा, विच इज न्यूमेरिकली, विच इज न्यूमेरिकली क्या हो जाएगा, इक्वल टू द वेट, न्यूमेरिकली इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट. ठीक है, कहने का मतलब अगर एक आप ले लीजिए बकेट, अब इस बकेटवा में हम क्या करते थे, एक कोई यू करके इसमें से निकलने वाला एक जगह बना देते हैं. ठीक है भाई, इसमें से ये लिक्विड बह रहा है, बहने के लिए एक जगह बना दी. ठीक है, अब आपने क्या किया कि एक बड़े से स्टोन को इसमें ला करके बांध दिया, बांध करके लटका दिया स्टोन है. ठीक है, बड़ा सा गोल सा स्टोन आपने लाके कर दिया. अब क्या होगा, स्टोन जो होगा वो ऐसे ऐसे करके अंदर जाएगा, और जैसे ही स्टोन इसमें जाएगा तो क्या होगा, ये लिक्विड जो है इस पे प्रेशर लगा रहा होगा. भाई जाहिर सी बात है, जैसे ही ये स्टोन अंदर जाएगा तो इसमें से क्या होता है, इसी के एरिया के बराबर, इसी के एरिया के बराबर क्या होगा, पानी जो है वो इसमें से निकलना चालू होता है. अब आप उसको कलेक्ट कर लो. ठीक है, एरिया आएगा वॉल्यूम के बराबर. ठीक है, उसके वॉल्यूम जितना आपने वॉल्यूम डाला, उसके वॉल्यूम या एरिया बोल रहा हूं मैं, जो भी है लिखा आपके लिए वॉल्यूम है, तो जो आपने वॉल्यूम आपने उसमें डाला, जितना वॉल्यूम उसमें अंदर गया उतने ही वॉल्यूम का पानी बाहर निकल के आएगा. आप इसको मेजर कर लो, इसका वेट ले लो. आर्किमिडीज साहब ने कहा इतने ही अमाउंट का बॉइंट फोर्स लिक्विड ने इस स्टोन पे लगाया होगा. ठीक है, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं इस टॉपिक के साथ अपनी क्लास को भी, वी कैन कंक्लूड क्या कहते हुए, दैट वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू द डिस्प्लेस्ड लिक्विड. उसके वॉल्यूम के बराबर ही होगा ना भाई, दोनों भाई हम एरिया क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वाटर की कंडीशन है. ठीक है, एक्चुअली में तो वो अपने एरिया के हिसाब से ही जितना उसका है, ठीक उतने ही हिसाब से, अगर हमने उसको पूरा डुबा दिया तो वो अपने ही उतने एरिया के हिसाब से पानी को बाहर निकाल देगा. ठीक है, या उसके वॉल्यूम के हिसाब से बाहर आ जाएगा पानी, दोनों एक ही बात है. ठीक है, तो ये तो इक्वल होता है, देख लो भाई. और फिर उन्होंने क्या कहा कि जो बॉइल्ड फोर्स होता है वो बराबर होता है किसके, वेट ऑफ अ डिस्प्लेस्ड
लिक्विड है, यानी जो इसमें से पानी बाहर निकल के आया ना वो बराबर होगा, अगर इसको हमने इसका वेट नाप लिया तो ये बराबर होगा इसके। ये भैया आर्किमिडीज का कहना था। बात समझ में आ गई? यस और नो? चलिए अब आप इसके एप्लीकेशन को आप देख सकते हो। एप्लीकेशन में मैं लिख देता हूँ, ठीक है, एप्लीकेशन इसकी कहाँ यूज हुई, इसको मिटा देते हैं, कहाँ कहाँ ये यूज होता है। तो भैया इनका एप्लीकेशन एप्लीकेशन है हाइड्रोमीटर में, जो हमारी डेंसिटी को नापने के, लिक्विड के डेंसिटी को नापने के काम आता है, रिलेटिव डेंसिटी को बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आएगा आपका लैक्टोमीटर, प्योरिटी नापने के काम आएगा। थर्ड आपका आ जाता है शिप के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, भाई सबसे जरूरी चीज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शिप्स, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शिप्स में आएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये आ जाता है आपके बोट्स और सबमरीन के लिए भी, छोटी छोटी बोट्स और जो सबमरीन होती है पानी के नीचे पनडुब्बी, ठीक, सबमरीन, ठीक। सो आप देख सकते हैं कितनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपके साथ इस चैप्टर के लिए अलविदा लूंगा, सारे समय के लिए नहीं, इस चैप्टर के लिए अलविदा लूंगा, और यहां पर हमारी ग्रेविटी विद फ्लूइड खत्म होता है, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ धमाकेदार क्वेश्चन के लिए, ठीक है, धमाकेदार क्वेश्चन करेंगे और जल्दी से जल्दी चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।